Welcome to this what if, Naruto, the son of Tobirama Senju. क्या एक बार से फिर से रिपीट कर सकती है, Tobirama कहता है। पर आज वो पहले से कुछ ज्यादा सीरियस लग रहा था, इतना कि वो बोन चिलिंग सीरियस लग रहा था, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। उसके सामने जो हॉस्पिटल की हेड होती है वो भी थोड़ा घबराने लग जाती है, वो भी थोड़ा हिलने लग जाती है अपने सीट में। इन चार दिनों में सब कुछ सही चल रहा था। उसे पता चला कि उसकी वाइफ खतरे से बाहर आ चुकी है, और जैसे ही उसे पता चला वो पहले ही दिन जाया नारुतो को लेके उसके पास गया। उसके बाद उसने अपना लव उस पर कन्फेंस कर दिया, फिर उसने भी उसे एक्सेप्ट कर दिया। फिर दो दिन तक हम शादियों की तैयारी होने लगी, इंगेजमेंट की शादियों की तैयारी होने लगी। फिर चारवें दिन उन दोनों ने मैरिड कर ली, और अब वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। उसे पता चला है कि उस चाइल्ड बर्थ में उस नारुतो ने कुछ ज़्यादा एनर्जी ले ली थी, जो कि कुछ शॉकिंग नहीं है, क्योंकि संजू और उस माँ की चिल्ड्रन ज़्यादा चक्र के साथ बॉर्न होते हैं, तो वो नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी सोर्स लेते हैं अपनी मदर से, जिसकी वजह से सिर्फ संजू ही संजू के साथ मैरी करता है, और उजुमाकी के साथ मैरी करता है, क्योंकि कोई और उसे हैंडल नहीं कर पाता उसके चाइल्ड बर्थ को। पर किसी तरह से लोकाको ने इसे हैंडल कर लिया और वो नहीं मरी सीधा चाइल्ड बर्थ के बाद, पर उसके चक्रा कॉइल्स को बहुत गंदा डैमेज हुआ, जिसकी वजह से वो अब अपने चक्रा को यूज़ नहीं कर सकती। वो अपने चक्रा को सिर्फ अपने हैंड और लेग्स और इस सब चीज़ आँखों को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकती है, पर वो कभी जुत्सु को यूज़ नहीं कर सकती। ये कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ग्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप है, उसका टाइजुत्सु भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो हाई एस क्लास से सीधा लो ए रैंक में आ चुकी। पर ये बात नहीं है, जो आखिरी बात Tobirama ने सुनी उसे सुन के वो गुस्सा हो गया। वो अपने गुस्से को और भी ज़्यादा अपने कोल्ड लुक को और कोल्ड बनाता है। उसके सामने डॉक्टर्स की हेड जो बैठी होती है वो घबराने लग जाती है, पर उसका स्ट्रेंथ अचानक से गायब हो जाता है, और अपने सर को जोर से टेबल में पटकता है और रोने लग जाता है, एनिमे वाटरफॉल रोने लग जाता है, और फिर एक ही चीज़ बार बार कहने लगता है, इफ आई टेल हर दैट आई एम बेटर देन डेड देन विद हर। असल में नारुतो जब चाइल्ड बर्थ में उसने अपनी मदर से बहुत ज़्यादा लाइफ फोर्स ले ली थी, जिसकी वजह से अब वो एक और बेटे को नहीं पैदा कर सकती, बेटे और बेटियों को। अब नारुतो उनका पहला और आखिरी सन है। अभी तक उसकी वाइफ ने उस पर चाइल्ड बर्थ का भी गुस्सा नहीं उतारा है, अब वो चाइल्ड बर्थ का गुस्सा और इस बात का गुस्सा अगर वो निकालेगी तो हमें से सोच के ही शिवर करता है। आज के एपिसोड के लिए बस इतने, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।